हाँ बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम रीजनिंग पढ़ रहे थे बेटा, और रीजनिंग में हमने लास्ट चैप्टर अभी करा क्या है, मैट्रिक्स करा। अच्छा, जो बच्चे ये देख रहे हैं इस वीडियो को पहली बार, तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमारे कई चैप्टर रीजनिंग के हम कर चुके हैं, जैसे क्लॉक कर चुके हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट भी कर चुके हैं हम, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी हमने अच्छे से उसको करा है, उसके बाद हमने मैट्रिक्स को भी अच्छे से करा है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, क्लॉक हो गया, तो चार चैप्टर हम कर चुके हैं। तो बेटा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन चार चैप्टर को भी देख लें बेटा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा उन चैप्टरों में, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बेटा आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है कैलेंडर। बेटा कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में दिखाई देगा, कोई भी एग्जाम उठा लो आप, वो CHSL हो, वो CGL हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, या कोई स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस SI हो, CPO हो, UP पुलिस SI हो, तो बेटा हर एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं आपको अपनी झलक दिखा देता है ज़रूर। तो बेटा इस टॉपिक को पढ़ने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बाकी मैं उसको कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ इसकी आपको पढ़ाऊं। तो बेटा मैं एक टॉपिक है कैलेंडर, तो बेटा कैलेंडर टॉपिक, अब इसमें दो चीज होती है बेटा कैलेंडर। अब कैलेंडर क्या कहता है, इसमें आपको दो चीज सीखनी है बेटा, दो चीज क्या है, एक तो हमें सामान्य वर्ष के बारे में जानना है, सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर, ठीक है, जो नॉर्मल साल होता है उसके बारे में जानना है, और एक हमें लीप वर्ष के बारे में जानना है कि लीप वर्ष ये क्या बला है यार, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको ये वर्ड दिखाई देंगे और आप इनको देख के कंफ्यूज भी हो सकते हो कि सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। बेटा लीप वर्ष में क्या होता है, इस साल जो हमारी फेब होती है वो 29 दिन की होती है, कितने दिन की होती है, 29 days की होती है, क्यों, क्योंकि फरवरी 29 दिन की होती है, उसका क्या रीज़न है वो आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि हर दिन में कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, तो उस कारण पूरा एक दिन बन जाता है और जो लीप ईयर में ऐड हो जाता है। तो एक बार ध्यान रखने कि लीप ईयर, अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा साल लीप ईयर है, तो एक बात मैं आपको बताऊं, सामान्य वर्ष क्या है, जैसे मैंने बोला 2019, ऐसा वर्ष जो चार से, किससे, चार से, ऐसा वर्ष जो चार से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा लीप ईयर है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा वो हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, क्लियर है। तो बेटा ध्यान रखना ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा किससे, 4 से, परफेक्टली, और ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा परफेक्टली, अब ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं हमें, क्योंकि देखो अब लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या होता है, इसमें जो पूरा साल होता है वो हमारा 365 दिन का होता है, कितने दिन का, 365 दिन का, और ये जो होता है वो 366 दिन का, क्लियर है। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, जो चार से परफेक्टली डिवाइड हो जाए वो हमारा लीप वर्ष है, जैसे मैंने बोला 2020 अभी गया है जस्ट पीछे, तो पीछे वाला साल 29 फरवरी थी, आई थी, तो देखना कैलेंडर चेक करके अपने फोन के अंदर क्यों 29 फरवरी जरूर आई थी 2020 में, क्यों, क्योंकि परफेक्टली चार से डिवाइड हो रहा है, देखो 4 से मैंने डिवाइड करा तो 5 पे, फिर 0, फिर 5, मतलब परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ये, मतलब पॉइंट में आंसर हमें नहीं दे रहा। तो जो वर्ष परफेक्टली डिवाइड हो जाता है चार से वो हमारा क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, और जो डिवाइड नहीं होता, जैसे 2019 में देखना 29 फरवरी नहीं आई होगी, ये हमारे पास आई नहीं, इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि 2019 हमारा चार से परफेक्टली डिवाइड होगा ही नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। तो बेटा ध्यान रखना जो परफेक्टली डिवाइड हो जाए
वो हमारा क्या है, लीप वर्स है, और जो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो वो हमारा क्या है, नॉर्मल। क्लियर है? अब नॉर्मल और लीप वर्स में आपने अंतर समझ लिया तो कुछ थोड़े से 5-7 पॉइंट हैं वो मैं इनको लिखवाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको एक बार याद से होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझ आए कि क्या क्या है। तो क्या है बेटा, पहला स्टार, एक सप्ताह देखो बेटा, ये 5 पॉइंट है कुछ नहीं, ये बातें मैं बता भी चुका हूँ आपको ओरल। अब क्या है 5 पॉइंट, उनको अच्छे से समझो क्या है। ये तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह के अंदर, कितने 7 डेज होते हैं, ये बात आपको सबको पता है। क्लियर है? और नहीं पता तो आप याद रख लेना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। क्लियर है? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष है तो कितने दिन होंगे बेटा, 365, ध्यान रखना। एक साधारण वर्ष में कितने, 365 दिन होंगे। जब एक लीप वर्ष आएगा, क्या आएगा, लीप वर्ष, तो उसमें क्या आएंगे, 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 366, 366 दिन होंगे। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है कि एक नॉर्मल ईयर आएगा तो उसमें 365 दिन होंगे, और जैसे ही लीप ईयर आएगा उसमें 366 दिन होंगे। तीसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है, कहता है एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो ये हमें कहता है 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और दो दिन होते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं है, सिर्फ डेज को ही वीक्स के अंदर डिवाइड करके लिख रखा है। तो बेटा एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह दो दिन होते हैं, तो ये भी आपको याद करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक सामान्य वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन का वार समान होता है। जैसे एक सामान्य वर्ष है, अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो, मैंने बोला 2019, जैसे 2019 में कहता प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, जैसे 2019 है, ये सामान्य वर्ष है क्योंकि 4 से डिवाइड तो हो नहीं सकता। तो बेटा इसमें अगर मैं जनवरी उठाऊंगा, 1 जनवरी को मान लो, मैं लेट कर लेता हूं, 1 जनवरी को मान लो मंडे है, 1 जनवरी को क्या मान लिया, मंडे है, तो दिसंबर में जो लास्ट तारीख होगी, तो दिसंबर कितने दिन का होता है, 31, तो 31 दिसंबर को हमारा, 31 दिसंबर को अगर मैं देखूंगा, क्योंकि लास्ट दिन होगा इस साल का, उस दिन भी क्या होगा बेटा, मंडे होगा। ये आप 200% सच मान लेना। क्लियर है? कि एक सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है बेटा, समान होता है। एक सामान्य वर्ष में 2019 में तो मैंने दिया, जैसे 2021 का कैलेंडर देखते हैं बेटा, 2021 के कैलेंडर में क्या बोलता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैलेंडर 2021 का, तो देखो सबसे पहले देख लो आप दिसंबर, दिसंबर 2000 हमारे पास 21 है और दिसंबर है, और इसमें देखो 31 तारीख को क्या बार पड़ रहा है, फ्राइडे, क्या बार है बेटा, फ्राइडे। तो 31 दिसंबर को अगर फ्राइडे है, अगर 2021 है, ये कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है हमारे पास, ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि 2021 चार से परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर 31 दिसंबर को क्या है बेटा, फ्राइडे है, 31 दिसंबर को क्या है, फ्राइडे है, तो जाहिर सी बात है 1 जनवरी को भी क्या होगा, फ्राइडे ही रहा होगा। जैसे हम देखते हैं इसी में, जनवरी का कैलेंडर निकालते हैं,
देखो मैंने देखा 1 जनवरी, अभी हमने क्या देखा वहां पर बेटा 31 दिसंबर को क्या था, फ्राइडे था, याद है नहीं है? नहीं है तो बेटा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। और जैसे मैंने देखा 1 जनवरी को, देखो 1 जनवरी को क्या बेटा यहां भी क्या है, फ्राइडे है, क्लियर है? तो इस बात पे आप सच मान लेना 200% कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर उसका स्टार्टिंग दिन मान लो मंडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे होगा। जैसे मैंने मंडे माना है, इसमें क्या है 2021 को है, मैं कहूँ तो लेट करे, एज्यूम करे, हमने कैलेंडर ही उठा लिया। और कैलेंडर को उठाने के बाद हमने देखा कि बेटा जनवरी को, अगर 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे है, 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे है, तो हमने देखा 31 दिसंबर को क्या होगा। तो 31 दिसंबर को हमने फटाफट चेक करके हमने देखा कि क्या 31 दिसंबर को बेटा फ्राइडे ही था, क्लियर है बात सबको? तो बेटा आपको समझ आ गया होगा कि 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। तुम्हारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है, हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्टली और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहता है एक सामान्य वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए, एक सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए, तो मैंने बोला मैं 2018 से 2019 में जाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला तो सामान्य वर्ष है, एक सामान्य वर्ष में एक वर्ष आगे जाने के लिए तो एक दिन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कैसे, एक सामान्य वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन प्लस हो जाता है, जबकि पीछे जाने के लिए एक दिन क्या जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, मैं इसका एग्जाम्पल है, मैंने लिखा यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 2018, मैंने बोला 2018, अगर 1 जनवरी 2018 को मैंने एज्यूम करा कि मान लो फ्राइडे था, अरे क्लियर है ये बात, 2018 को क्या था, फ्राइडे। अगर मैं 2019 में निकालना चाहूँ तो 2019 में निकालूंगा, 1 जनवरी 2019 को क्या होगा, तो सिंपल सी बात है फ्राइडे में एक दिन प्लस हो जाएगा, क्लियर है? फ्राइडे में क्या होगा बेटा, एक दिन प्लस हो जाएगा, तो फ्राइडे के बाद क्या आता है बेटा, सैटरडे आता है। अरे ये बात क्लियर है कि भैया एक दिन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए, एक साधारण वर्ष दे रखा है उससे अगले वर्ष में जा रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा बेटा, एक दिन प्लस हो जाएगा। और आप एक वर्ष पीछे जा रहे हो तो एक दिन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मैं 2018 लिख के मैंने क्या बोला, मैं बोल देता आपको 2017 में बताना है, 2017 में भी क्या बताना है बेटा, 1 जनवरी को बताना है कि क्या वार होगा। तो अब फ्राइडे था किसको, 18 में फ्राइडे था 2018 में 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो फ्राइडे से एक दिन माइनस मतलब क्या होगा, थर्सडे होगा। क्या होगा बेटा, थर्सडे होगा। अरे बात क्लियर है सबको कि थर्सडे कैसे आया, फ्राइडे कैसे आया, सैटरडे कैसे आया, क्लियर है? तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर एक आपको नॉर्मल वर्ष दे रखा है, अगर उससे आपको नेक्स्ट ईयर में अगले साल में जाना है, तो बेटा क्या करना है आपको, एक दिन प्लस कर देना है, और बैक में जाना है तो एक दिन को क्या कर देना, माइनस कर देना है। बस इसमें लीप ईयर का आप ध्यान रखिए बस, क्लियर है? और लीप ईयर में भी क्या, लीप ईयर कुछ अलग थोड़ी लेके आया यार, लीप ईयर बनता किससे है, 29 फरवरी से। अगर वो काउंट हो गई एक बार तो बस वो एक दिन एक्स्ट्रा प्लस हो जाता है उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 दिन प्लस कर देंगे। बस हमें 29 फरवरी का देखना है कि कब कब काउंट हो रही है। बेटा हम काउंट करना सीख गए ना, बस सेम और कुछ भी नहीं है कैलेंडर के अंदर, बाकी तो आप चुटकियों में सीख जाओगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपने होमवर्क तरीके से करा ना, कैलेंडर बेटा ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा, कोई बोलेगा आंसर आप टप 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 आंसर दोगे उसके, क्लियर है? तो बेटा हमने 5 पॉइंट है, कुछ नहीं था इन 5 पॉइंटों में, अगर क्या समझने के लिए है तो बहुत कुछ मिला हमें इस 5 पॉइंटों से। तो बेटा सिंपल सा है कैलेंडर, कुछ नहीं है, ये इसकी बेसिक थ्योरी थी और कुछ भी इसका बेसिक नहीं है ना, आपको कुछ ना बस थोड़ी सी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेना, बस और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। अरे साथ साथ के जोड़े बना सकते हो ना, बस साथ साथ के जोड़े बना लेना, जैसे टॉफी इकट्ठे नहीं करते, साथ आए एक तरफ डाल दी, बस उस तरीके से करना है और कुछ भी नहीं है कैलेंडर के अंदर। चलो बेटा करते हैं डायरेक्टली टाइप से स्टार्ट करते हैं हम, बेसिक यही था कि भैया सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन प्लस कर देंगे, पीछे आने के लिए माइनस कर देंगे। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, एक लीप ईयर के अंदर 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं।
और एक सामान्य वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। देखो बेटा, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना, कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम में आए हुए वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हो, एमटीएस से लेके सीजीएल तक। क्लियर है? एमटीएस से लेके सीजीएल तक। ये तो मैं सिर्फ आपको रूटीन भाषा में बोल रहा हूँ कि एमटीएस और सीजीएल, क्योंकि जिसको भी देखो ना, हर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है। वो बात अलग है कि वो डीएससी का एग्जाम भी देगा, पर बोलेगा यही एसएससी की तैयारी कर रहा है। पर बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, एमटीएस से लेके सीजीएल तक। तो मुझे भी रट गया है कि एमटीएस से लेके सीजीएल तक। तो ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, कैलेंडर उससे बाहर नहीं जाएगा जो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लिख रहा हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? यदि 15 सितंबर 2002 को रविवार हो तो 15 सितंबर 2003 को क्या वार होगा? तो बेटा एक बात बताओ, 15 सितंबर 2002 को क्या है बेटा? संडे। तो ये क्या है, सबसे पहले चेक करो, ये नॉर्मल ईयर है 2002। लग रहा है कि हमें चार से डिवाइड होगा, पर होगा नहीं, क्योंकि 20 तो डिवाइड हो जाएगा पर दो तो चार से डिवाइड नहीं होगा। पॉइंट में आंसर, पॉइंट में लेना ही नहीं है, ना पॉइंट में ना फ्रैक्शन में, हमें देखना परफेक्टली हमारे पास डिवाइड हो जाए। तो 2002 तो हमारा डिवाइड हो नहीं रहा, क्योंकि 2002 को मैंने डिवाइड करके देखा चार से, तो परफेक्टली नहीं हो रहा है हमारा। तो हमारा ये क्या, लीप ईयर तो है नहीं, तो हमारा नॉर्मल ईयर है। तो देखो, 15 सितंबर 2002 को रविवार है, तो फिर वो कहता है 15 सितंबर 2003 को क्या वार होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन क्या जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। तो संडे, संडे में अगर एक दिन में प्लस करूंगा तो बेटा क्या आएगा, संडे के बाद एक दिन प्लस करने पे क्या आएगा बेटा, मंडे आएगा। क्या आएगा? मंडे। तो हमारा मंडे आंसर। क्लियर है बात सबको? तो मंडे कैसे आया, एक दिन प्लस करके। क्लियर है? क्योंकि साधारण वर्ष थी दोनों ही, और उससे अगले वर्ष में जाना है, तो हमारा क्या, एक दिन प्लस करना होता है। तो हमारा क्या आंसर है? मंडे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, कहता है 11 सितंबर 2002 को क्या था बेटा, मंडे। तो हमसे बोलता है 11 सितंबर 2001 को क्या वार था। तो एक बात मुझे बताओ, साधारण वर्ष है, पहले हम आगे गए और अब हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, 2002 से हम क्या जा रहे हैं, 2001 पे जा रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक दिन क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा। और एक दिन माइनस होगा ही नहीं होगा, तो मंडे है। तो मंडे में मैं एक दिन में माइनस करूंगा तो बेटा क्या आंसर आएगा मेरे पास, मंडे में अगर मैं एक दिन माइनस करूं तो बेटा क्या आएगा, संडे आएगा। क्लियर है बात सबको? मंडे में अगर मैं एक दिन माइनस करता हूं तो क्या आएगा, संडे आएगा। क्लियर है? तो बेटा ऐसे हमने टाइप स्टार्ट कर दिया, इसके मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा। पहली बात है बेटा, कैलेंडर के अंदर बोर नहीं होना है। आपको लगेगा कि हम क्या क्वेश्चन करा रहे हो, बट धीरे धीरे, बस धीरे धीरे चलो तो सही। एक वीडियो देखो, दूसरी वीडियो में देखना धमाल क्या होगा। देखो देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया लीप ईयर का केस। अब तक तो हमने एक नॉर्मल ईयर के अंदर हमने आगे आना और पीछे जाना सीख लिया था, अब लीप ईयर में क्या करना है बेटा, लीप ईयर में मुझे बताना। एक बात मुझे बताओ, 17 जनवरी 2020 को क्या है बेटा, मंडे। और मैंने बताया था आपको एक बात बेटा, लीप ईयर कहाँ से अटकता है, 29 फरवरी की वजह से अटकता है। क्लियर है? मतलब लीप ईयर उसको क्यों कहते हैं, 29 फरवरी की वजह से कहते हैं। तो एक बात मुझे बताना, जब लीप ईयर का केस आ जाए, बस आपको ये देखना है कि वो काउंट हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर है? अगर काउंट हो रही है तो
तो कैसे हो रही है वो आपको देखना है एक बार महीने के हिसाब से। कैसे देखना है? 17 जनवरी 2020 को क्या है बेटा? मंडे है, ये बात क्लियर है? तो एक बात आओ, 17 जनवरी 2020 को, तो जनवरी है अभी, फरवरी आई नहीं है, ठीक है? फरवरी आएगी, फरवरी चलेगा, फिर 29 तारीख भी इंक्लूड होगी, तो 29 तारीख का जो दिन है वो हमारे लिए क्या है? बोनस है, एक दिन अलग से लगेगा। तो देखो वैसे अगर ये साधारण वर्ष होता तो 2020 है तो 21 है, तो मैंने चेक करा 2020 तो क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर से एक साधारण वर्ष पे जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने का तो वो क्या करेगा बेटा? आगे बढ़ने का तो क्या लेगा? एक तो लेगा ही लेगा, एक बोनस तो लेगा ही लेगा, और एक बोनस उसको क्या मिलेगा? लीप ईयर का मिलेगा, क्योंकि अभी लीप ईयर काउंट होना बाकी है। लीप ईयर काउंट होने का मतलब समझ रहे हो? 29 फरवरी काउंट होना बाकी है, क्योंकि बेटा क्या है, 17 जनवरी को बोल रहा है वो। अगर 17 जनवरी को 2020 को मंडे है तो 17 जनवरी 2021 को क्या बार होगा? तो आप क्या बोलोगे? इसमें दो दिन काउंट करके प्लस कर दोगे, तो मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। क्या होगा बेटा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार। अरे क्लियर है बात सबको? क्योंकि बेटा ध्यान रखना, 17 जनवरी अभी तक फरवरी हमारी 29 फरवरी काउंट नहीं हुई है, काउंट करने का ही हमें खेल सीखना है। तो एक तो हमने नॉर्मल कंडीशन में बढ़ाया, क्योंकि हम आगे की वाले कंडीशन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये कंडीशन क्या है बेटा? आगे की कंडीशन है। किसकी है? आगे की। वो तो हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है, बेशक हमारी गर्दन कट जाए, हमें वो तो बढ़ाना ही है, पीछे जाना है तो माइनस करना ही है, बस ये देखना है फरवरी काउंट हो रही है तो एक उसका बोनस अलग से देना है। क्लियर है बात सबको? अगर मैं यही क्वेश्चन आपको बोल देता कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, इधर आ जाएं, अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से बोलता, देखा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्या महीने का अंतर है। देखो मैंने बोला 17 सितंबर 2020, तो सितंबर तक, 2020 तक, सितंबर तक आते आते क्या है, जो फेब है वो क्या है? फेब खा चुका है। कौन? ये वाला साल। तो बेटा इसमें क्या है, जब वो फेब खा चुका है तभी तो खाने के बाद उसका फ्राइडे आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि फेब उसने इंक्लूड कर लिया है, सारे जोड़ घटा कर लिए, क्योंकि उसके बाद ही हमारा 17 सितंबर 2020 को क्या आ रहा है? फ्राइडे आ रहा है। तो 17 सितंबर 2021 को क्या आएगा बेटा? एक दिन प्लस होगा बस। तो 17, तो फ्राइडे क्या आएगा बेटा? सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा। अरे याद रहेगा या नहीं रहेगा? शनिवार क्यों आ रहा है? अभी भी तो ये लीप ईयर था, अब इसमें दो प्लस क्यों नहीं करा मैंने? क्योंकि हमारे पास बोनस है ही नहीं। बोनस समझ रहे हो ना? 29 फरवरी है ही नहीं, वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। अगर वो काउंट होनी हो तो हम बोनस देते हैं, अदरवाइज हम बोनस नहीं देते। ध्यान है ना? बोनस कब मिलता है बेटा? जब कंपनी को प्रॉफिट हो। यहां तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, प्रॉफिट का मतलब 29 फरवरी काउंट नहीं हो रही। अगर 29 फरवरी काउंट हो रही होती तो यहां एक और प्लस करते हैं। क्लियर है? तो बेटा फ्राइडे के बाद क्या आएगा हमारे पास? सैटरडे। क्लियर है? तो हम इसमें क्या है, सिर्फ एक प्लस करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना दिखने में हमें लीप ईयर लगता है, तो पेपर में हम अक्सर गलती करते हैं, इसमें अक्सर गलती करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत बड़े बड़े धुलंधर इसमें गलती कर जाते हैं। क्यों? जल्दबाजी, फोकस नहीं कर रखा होता छोटी छोटी चीजों पर, और यही एक एक नंबर आपको 1000 बच्चों से नीचे कर देता है। तो बेटा ध्यान रखें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों का, क्योंकि कई बार पेपरों में आ जाते हैं और आप इसमें फंस जाते हो, जल्दबाजी में पहला ही आंसर लगा देते हो, जो कि गलत होता है। ठीक है? तो बेटा भावी इंस्पेक्टर मत बनो, ओरिजिनल इंस्पेक्टर बनो। तो बेटा एक बात याद रखो, 17 सितंबर तो आपको यही ध्यान रखना है कि काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा। काउंट, बोनस काउंट हो रहा है तो आपको बोनस देना पड़ेगा, अकाउंट अगर नहीं हो रहा तो बोनस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ काउंट नहीं हो रहा, फरवरी निकल चुकी है। क्लियर है? जब तक दोबारा फरवरी आएगी वो 2021 होगा, और 2021 होगा तो उसमें हमें 29 फरवरी बोनस नहीं मिलने वाला। अरे समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताना, और समझाऊंगा अच्छे से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको लीप ईयर का केस भी समझ आ गया आपको, कि लीप ईयर में क्या करना है ड्रामा हमें। तो बेटा ड्रामा व्रामा करना सीख लो थोड़ा सा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखो बेटा
कहता है 15 अप्रैल 2004 को क्या था, संडे था। संडे था मतलब अप्रैल तक, फरवरी इसने खाई या नहीं खाई, मतलब बोनस मिल गया है नहीं मिला, मिल गया इसको बोनस, मतलब अंदर खा चुका है, ले चुका है, तो हम इसमें बोनस काउंट करेंगे नहीं करेंगे। अब हम देख बोनस क्यों काउंट करें यार, बोनस का क्या मतलब है। अब एक बात ध्यान रखो, 2004 से कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है। तो हमारा एक बार बताओ सिंपल सा, अगर ये नॉर्मल ईयर का केस होता तो हम 1 माइनस करते, अगर मैं नॉर्मल ईयर का केस होता तो क्या आएगा, 1 माइनस करते, क्लियर है। अब ये तो खा के बैठा हुआ है, अप्रैल में फरवरी काउंट हो रखी है, अरे काउंट हो रखी है नहीं हो रखी, जो चीज खा के गया है ये, तो 29 फरवरी इसने अपने आप को खा रखा है, तो वो 29 फरवरी निकालनी भी तो पड़ेगी पीछे। तो बेटा एक बात बताओ, दोबारा एक और माइनस करना पड़ेगा, याद आएगा, समझ आया। तो बेटा इसमें रिवर्स केस भी ध्यान रखना, तो 15 अप्रैल 2004 को संडे था, तो 15 अप्रैल 2003 को क्या रहा होगा, 15 अप्रैल 2003 को क्या रहा होगा, तो आपको बताना है संडे में क्या करना है, 2 दिन माइनस करना है। तो संडे में 2 दिन माइनस, फिर क्या 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, सैटरडे, और जब 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, फ्राइडे। अरे क्लियर है बात सबको, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, फ्राइडे। देखो 15 अप्रैल 2004 को क्या है, संडे है, तो 15 फेब 2004 को क्या, संडे है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। अब जब लीप ईयर है तो उसने खाया है फरवरी को नहीं खाया, देखा हमने 15 फेब, तो 15 फेब तक तो यार फरवरी में एक दिन कहां से, 29 फरवरी की वजह से एक्स्ट्रा होता है, तो 29 तारीख तक तो आया ही नहीं है। जब इसको बोनस मिला ही नहीं है तो ये देगा भी कैसे, माइनस तो करवा नहीं सकता, क्योंकि क्या रिवर्स का केस है, पीछे जाने वाला केस है। तो संडे में से एक दिन तो नॉर्मल ईयर की वजह से माइनस होता, कि 2004 से 2003 पे आ रहा था तो माइनस होना था एक। अब एक हमें दूसरा माइनस करना था किसकी वजह से, अगर इसने फरवरी को इंक्लूड कर रखा होता, बेटा इंक्लूड कर रखा होता तो हम इसमें से माइनस करते एक और, पर इसने तो यार इंक्लूड ही नहीं करा हुआ है, तो 15 फरवरी से बैक मारवा रहा है हमसे पीछे। अगर ये हमें बैक मरवाता 29 फरवरी को भी तो तब भी हम 2 माइनस करते हैं, पर ये 29 फरवरी तक तो पहुंचा ही नहीं, क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 माइनस होगा, क्लियर है बात सबको। तो संडे में से 1 गया तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, सैटरडे आएगा। बस आपको बेटा एक बात याद रखना, आपको ये देखना है, आप लीप ईयर को छोड़ो, लीप ईयर जाए भाड़ में, बस आप किसको याद रखो, 29 फरवरी को। अगर 29 फरवरी इंक्लूड हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो उसके हिसाब से करना है, किसको नहीं हो रहा तो हम एक दिन ही माइनस करेंगे। अगर ये 29 फरवरी लिख देता हमसे यहां पर, तो हमसे क्या करना पड़ता, तो 2 माइनस करने पड़ते हमें, क्योंकि 29 फरवरी इंक्लूड हो चुकी है इसके अंदर। इसमें 15 फरवरी को 29 फरवरी इंक्लूड हुई है, नहीं हुई, ठीक है, ये वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो हमारा क्या है, नॉर्मल को ईयर का क्वेश्चन बन गया ये, पर दिखने में क्या है, लीप ईयर है, तो हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, अच्छा लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पे आ रहा है, माइनस 2 कर दो, क्योंकि किताबों में लिखा होता है, पर चीजों को समझो, क्लियर है। और देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अबे देखो अब हमसे कह रहा है एक बात मुझे बताओ, लीप ईयर है ऊपर वाला, अब हमने लीप ईयर 2020 तो देख लिया फटाफट, के 2020 फरवरी से पहले का है, 29 फरवरी से पहले का है, तो हम तो 2 काउंट करते हैं। अगर 29 फरवरी के बाद का है तो मतलब ये काउंट करके ऑलरेडी चल रहा है, क्लियर है। तो मतलब एक बात मुझे बताओ, पहली बात तो मैं आगे का केस है, एक्स्ट्रा प्लस करना है, अगले साल पे जाना है, तो वो तो एक बोनस मिलेगा ही मिलेगा, और एक बोनस इसको कब मिलता, जब इसने फरवरी को काउंट नहीं करा होता, पर इसने तो फरवरी ऑलरेडी काउंट कर रखी है, क्योंकि 18 मार्च है, तो 29 फरवरी तो पीछे जा चुकी, मतलब काउंट करने के बाद हमें बता रहा है वेनसडे आया जी, किसको, 18 मार्च 2020 को, तो हमें दूसरा बोनस काउंट करना है क्या, नहीं करना, क्लियर है, बोनस काउंट हमें नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट कर चुका है। तो वेनसडे में 1 प्लस करा तो क्या आएगा बेटा, थर्सडे आएगा, ठीक है, वीरवार। अरे बात समझ आई यहां तक सबको, बेटा इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, अगर फरवरी इंक्लूड हो रही है, 29 फरवरी आपको इंक्लूड होके अगर क्वेश्चन में दे रखी है, और वो लीप ईयर का क्वेश्चन है, और लीप ईयर से आप साधारण ईयर पे जा रहे हो आगे, 2020 से 21 पे जा रहे हो,
ठीक है, या 2016 से 17 पे जा रहे हो, अगर वो फरवरी काउंट हो रखी है उसके अंदर तो आपको एक ही दिन प्लस करना है, अगर फरवरी काउंट नहीं हो रखी तो आप उसके अंदर क्या करना है, दो दिन प्लस करना है। सेम क्वेश्चन ऐसा, अगर फरवरी काउंट नहीं हो रखी उसके अंदर तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा, अगर काउंट हो रखी है तो दो दिन माइनस करने पड़ेंगे। सिर्फ इतनी सी बेसिक सी बात थी इस पहली टाइप के अंदर। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई टाइप के साथ, ठीक है, उसमें हम थोड़ी सी चीजें अलग सीखेंगे। तो बेटा अब तक आपको थोड़ा बहुत बोर लगा होगा, पता नहीं क्या पढ़ाया, एक टाइप में इतना टाइम खा गया, बट आपको लगेगा दूसरी वीडियो में हमने कुछ पढ़ाया कैलेंडर के अंदर, क्लियर है। तो बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो तीन चार चैप्टर हम और भी कर चुके हैं, चार चैप्टर और कर चुके हैं, क्लॉक कर चुके थे, अल्फाबेट टेस्ट भी कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी कर चुके हैं, मैट्रिक्स भी कर चुके हैं, उनको देख लो, अगर समझ आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो उनको, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके, क्लियर है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप के साथ, ओके बाय बाय, टेक केयर।